वैसे गाइस आई होप यू आर इन वेल और ये वीर वेलकम टू स्टिल लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारे आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ। एक आर्टिकल तो ऐसा है जिसका मैं काफी लंबे समय से वेट भी कर रहा था कि मैंने कहा ये आर्टिकल नहीं आया तक जिसको प्रॉपर वे में डिस्कस किया जाए, तो उस आर्टिकल के बारे में काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। कई सारे जो स्टेटिक पॉइंट है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वो आर्टिकल है जो आप लोगों के कल बच गए थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से दोनों आर्टिकल अगर देखा जाए, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखा जा सकता है, सोसाइटी में जो टैबू है वुमेन से रिलेटेड उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। इसी के साथ में जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आप लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं सिखाकर जाएगा। तो ये आर्टिकल जो है इनके ऊपर इवन एसे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है। तो कहां कहां पर क्या क्या चीजें हो सकती है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि शानदार तरीके से आप लोग इसको एंजॉय करेंगे इस डिस्कशन को। पर लेकिन यहां पर एक पिक्चर शेयर की गई है एक जो एसएलबी फैमिली मेंबर के द्वारा, बोला गया सर नॉर्मल इंसान जो है वो कलर से अपनी होली बनाते हैं, रंगों से अपनी होली बनाते हैं इस तरीके से, पर लेकिन जो यूपीएससी वाले हैं वो भाई साहब ऐसे अपनी होली बनाते हैं, वो किताबों को इतना ज्यादा रंग देते हैं हाईलाइटर से, यही उनकी असली होली होती है। खोलते ही किताब पता चल जाए कि उस पेज पर ये लाइन इस तरीके से हाईलाइट की थी, उस कलर से हाईलाइट की थी, तो ये है असली होली। तो आप लोगों का क्या मानना है, राइट या फिर रॉन्ग, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कौन सी होली खेली है। पहली के लिए वन या फिर टू या फिर दोनों चल रही है पैरेलल में। देखिए मेरे हिसाब से तो दोनों चलनी चाहिए, थोड़ा टाइम यहाँ भी दीजिए और बाकी का टाइम आप लोग यहाँ पर एंजॉय कीजिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, अगर आप लोग हाथ में पेन लेकर पढ़ाई करेंगे तो आप लोग लंबे समय तक उन चीजों को याद रख पाएंगे। एक इंसान वो है कि बस लिए है पढ़े जा रहे हैं ऐसे ही, तो देखिए एक होता है पढ़ना, एक होता है चीजों को समझना। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी कि रीड बिटवीन द लाइन, उसका मतलब ये होता है कि जहां पर जो लिखा हुआ है उसको समझो, वो होता है रीड बिटवीन द लाइन। ये नहीं कि बस वैसे ही उतर कर चले गए बस ऐसे ही देख देख कर। जब भी आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो कोशिश ये करो कि स्टार्टिंग की रीडिंग तो आप लोग वैसे समझ लो कि कहां पर क्या क्या है, वो नहीं कहते एक ओवरव्यू ले लेना, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट रीडिंग लगती है उसमें आप लोग शानदार तरीके से रीड बिटवीन द लाइन वाली बात होनी चाहिए, ताकि आप लोग एग्जैक्ट मीनिंग समझ सको कि क्या बोलने की कोशिश इस पर्टिकुलर आर्टिकल में की जा रही है। तो ये बातें यहां पर बताई गई है। ओके, तो यहां पर जो मैंने आप लोगों से बात की थी, ये जो आर्टिकल है काफी प्यारा आर्टिकल है यार। बेसिकली एक एक्ट है हमारी कंट्री में जिसको बेसिकली अगर आप लोग बोला जाए तो इसको बोलते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो 1991 यानी कि 1991 में ये एक्ट आया था। प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब क्या है, यानी कि जो पूजा के जो स्थान है, जैसे कि जैसे टेम्पल हो गया, ये मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां पर पूजा अर्चना की जाती है, तो उस पर्टिकुलर जगह को जो 1947 से पहले हमारी कंट्री में जो भी कंडीशन रही हो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। पर लेकिन 1947 के बाद में जब हमारा देश आजाद हो गया तो यहां पर कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं किया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों बोला गया और क्या कंडीशन चल रही है, तो काफी डिटेल में ये आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह समझिए, आप लोगों ने हिस्ट्री में ये चीजें पढ़ी भी होगी इसके बारे में, आखिर हमारी कंट्री में ये अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों आया है। तो देखिए हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं तो एक एक्ट है जिसको बोलते हैं द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन 1991। इसका मतलब ये था कि हमारी कंट्री में आजादी के बाद यानी कि 1947 के बाद में जो भी हमारी कंट्री में कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, कहीं गुरुद्वारा है, कहीं चर्च है, वो ऐसी की ऐसी रहेगी, उसको तोड़ा फोड़ा नहीं जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा अरे यहाँ पे तो मंदिर था या यहाँ पे तो पहले मस्जिद थी, इसको तोड़ दिया गया पहले तो अब हम तोड़ेंगे आजादी के बाद, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करने का बेसिक रीजन क्या बोला गया, वो ये था कि यार ऑलरेडी हमारी कंट्री में बहुत बुरी कंडीशन है। एक तरीके से अगर आप लोग रिलीजन के नाम पर बात करें या फिर कास्ट के नाम पर बात करें या फिर लैंग्वेज के नाम पर बात करें, सोसाइटी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हम बोलते तो हैं, पर लेकिन ये यूनिटी बनाए रखना, ये एकता बनाए रखना बहुत भारी पड़ जाता है यार कई बार। तो उसी के बारे में यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन गई, उसमें ये बोला कि जो 1991 का ये एक्ट है ना, ये कई सारी चीजों को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने से रोकता है। यानी कि ये बोलता है कि हिस्टोरिकली अगर आप लोग देखेंगे यहां पर 1192 से लेकर यानी कि 1192 से लेकर ये 1947 यानी कि 1947 तक बहुत सारे जो ऐसे कई सारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जिनको प्लेंडर किया गया, यानी कि जिनको तोड़ा गया, डिस्ट्रॉय किया गया। आप लोग समझ सकते हैं किस डायरेक्शन में उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर चलूं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा
महमूद गजनवी का, ठीक है। तो उसके द्वारा सोमनाथ का टेंपल जो है ये बात ये माना जाता है कि कई बार तोड़ा गया। तो इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं कि यहां पर अगर बात करें, यहां पर अगर बात की जाए यहां पर 1192 से लेकर अब तक का बहुत सारे, जैसे बैटल ऑफ तराइन उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिली, फर्स्ट बैटल ऑफ जो तराइन थी ये 1191 में देखने को मिली, सेकंड बैटल थी यहां पर ये 1192 में देखने को मिली। इस बैटल में सेकंड में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था, किसके द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो मोहम्मद गोरी पहली बैटल ऑफ तराइन में तो हार गया, लेकिन एक साल बाद बैक किया उसने और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और फिर यहां से चीजें जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। इसी के द्वारा पैटर्न रखा गया हमारी कंट्री में दिल्ली सल्तनत का, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो स्लेव डायनेस्टी आई वो यहीं से निकल कर आई। ये माना जाता है कि जो यहां पर पहली बार रूल किया गया वो मोहम्मद गोरी के स्लेव थे जिनके द्वारा यहां पर रूल किया गया, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ठीक है। ये सारे स्लेव माने जाते थे, इनके द्वारा अपना जो बेसिकली आकर साम्राज्य एस्टेब्लिश किया गया इंडिया के अंदर में। तो उस टाइम पर यह माना जाता है कि जब ये रूल आया तो बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जो तोड़े गए और वहां पर मस्जिदें वगैरह बनाई गई। हालांकि इसके जो पुख्ता सबूत के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में ये बोलता है कि चलिए जो भी है वो पुरानी चीजें थी, पर लेकिन एग्जैक्टली कई बार कुछ सबूत मिलते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनको अलग तरीके से देखा जाता है कि यार देखो ये उस टाइम पर चीजें थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर आज के डेट में हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी रिलीजन क्यों ना हम लोग को मिलकर रहना है। तो जो पिटीशन गई उसने ये बोला कि उस टाइम पर मिलिट्री का एक तरीके से पावर को यूज करके कई सारी ऐसे जो पिलग्रिम्स या वर्शिप की जगह जिनको डिस्ट्रॉय किया गया, इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय किया गया। तो अब यहां पर ये जो एक्ट है ये यहां पर उनको रिस्टोर करने से रोकता है। कैसे रिस्टोर करने से रोकता है, यहां पर जो पिटीशन करने वाले का मानना यह है कि जैसे हमारी कंट्री में राम जन्मभूमि जो ये अभी टेंपल केस था, जो कि अयोध्या टेंपल वाला केस था, ये इस तरीके के केस हमारी कंट्री में और निकल कर आए, यानी कि वो ये मानते हैं कि हमारी कंट्री में ऐसे ही केस और ज्यादा निकल कर आना चाहिए, ताकि जहां जहां पर भी ऐसी पास्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिली, तो फिर से वहां पर मंदिर ही बनाए जाए, तो इनका ये मानना है। तो राइटर जो है वो इससे खुश नहीं है, राइटर ये बोल रहे हैं यार ये काफी डिस्टर्बिंग फैक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंट्री में ये एक एक्ट आया था, द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का, और इसने ये बोल दिया था कि देखो यार इन सब चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, क्योंकि अगर इन सब धंधों में हम लोग पड़े रहे कि हाँ यहाँ मंदिर था, यहाँ मस्जिद था और यहाँ गुरुद्वारा था और जो था अब यहाँ पर वो बन गया, तोड़कर फिर से वही बनाओ, तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी हम लोग नहीं बन पाएंगे और हम इन्हीं धंधों में उलझे रह जाएंगे। तो इनसे ऊपर उठकर हम लोग को अपनी कंट्री में एक सही डायरेक्शन में फोकस देकर चलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस एंटरटेन कर भी एक गलत काम किया है, यानी कि डिस्टर्बिंग है, सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का केस एंटरटेन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है, गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है कि बताइए ये सही है या फिर गलत है, कि क्या यहां पर ये जो एक्ट है ये कोई ऐसा काम कर रहा है जैसा पिटीशन में बोला गया है। तो ये जो केस गए यहां पर, ये अगर बात करें तो ये केस अभी ये देखने वाली है कि आगे कैसे बढ़ता है, क्या यहां पर जो ये स्पेशल प्रोविजन बेसिकली रखा गया है वर्शिप प्लेस जहां पर पूजा आराधना की जाती है, क्या ये गलत है, तो इसको चेक करने की बात की जाएगी। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो केस था जिसके बारे में आप लोगों से बात की, ये केस था हमारी कंट्री में राम जन्मभूमि का। राम जन्मभूमि में यहां पर रंजन गोगोई थे उस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एस ए बोबडे साहब जो आजकल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी थे, डी वाई चंद्रचूड़ थे, इसी के साथ में अशोक भूषण थे और एस अब्दुल नजीर, तो ये पर्टिकुलर जज थे जिनके द्वारा जजमेंट दिया गया, ठीक है। तो उसके चलते आप लोगों को पता है कि यहां पर नॉर्मली ये राम जन्मभूमि वाला केस भी नहीं आना चाहिए था। रीजन क्या है, रीजन ये हमारी कंट्री में ये जो द प्लेस ऑफ वर्शिप प्रोविजन जो है ये ऑलरेडी था, तो इसलिए यहां पर ये कहीं ना कहीं ये जो केस आया ये भी यहां पर गलत आया, क्योंकि ये बोलता है कि ऑलरेडी जहां पर जो है उसको रहने दो, तो बाबरी मस्जिद गिरानी नहीं थी, क्यों, क्योंकि 1947 से पहले बोला गया इसमें कि जो भी सही है वो जो हो चुका है, अब आप लोगों सबको मिलजुल कर रहना है। तो इसीलिए यहां पर जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला केस था इसको यहां पर एग्जेम्प्ट किया गया, क्योंकि ये केस काफी बड़ा मुद्दा बन गया कंट्री के अंदर, तो इसको एक अलग तरीके से देखा गया। जबकि यहां पर ये नॉर्मली एक्ट के हिसाब से चले तो वो ये बोलता है कि यहां पर जो है उसको उसी तरीके से रहने दो, ये गलत है। तो यहां पर ऑलरेडी इसमें प्रीएम्बल यानी कि जो इसकी प्रस्तावना है उसमें ये बोला गया कि 1947 से पहले अगर कुछ भी हमारी कंट्री में रिलीजियस प्लेस था, किसी का कोई भी करेक्टर आप लोग चेंज नहीं करेंगे, जो है वो ऐसा ही रहेगा, हम लोगों को सबको मिलजुल कर रहना है। सेक्शन 3 ये बोलता है किसी को भी आप लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे कि हाँ भाई साहब ये पहला ये था अब इसको ये कर लो, तो ये सारी चीजें मेंटेन आप लोगों को रखनी है, ये प्रिजर्व करता है ये लोग। पर लेकिन इसका जो एक्सेप्शन आया निकलकर ये राम जन्मभूमि वाला आया, क्योंकि बोला तो गया था प्रिजर्व करेंगे पर लेकिन प्रिजर्व कर नहीं पाए, तो ये जो कंडीशन यहां पर निकल कर आई तो ये सोचने के लिए हम लोग को मजबूर करती है कि आगे भी क्या ऐसा कोई कंडीशन बन सकती है। अगर ऐसा बन गया तो ये पिटारा खुल जाएगा हमारी कंट्री में, बहुत सारे एरिया में आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में।
तो इसलिए राइटर ये बोल रहे हैं कि यार ये चीज ना हम लोग को यहीं पर ही रोक देनी चाहिए। अगर इस चीज को और ज्यादा एंटरटेन करेंगे, इस चीज को और ज्यादा आगे लेकर चलेंगे तो ये कंट्री में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसको हम लोग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा कि हम लोग को इससे कितना डिस्टेंस बनाकर अपनी रखनी है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटी भी है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी शेयर किया था कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि कहां से निकल कर आई। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करूं तो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में ये बेसिकली आज की डेट में पार्ट फोर के अंदर है। पार्ट फोर का जो सेक्शन ए में आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर, जिसमें ये 51A आर्टिकल आप लोगों को निकल कर आता है सामने। यानी कि हमारे संविधान में आज की डेट में फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये पार्ट फोर में है, 51A आर्टिकल के अंदर में। क्या ये स्टार्टिंग से हमारे संविधान में थी ओरिजिनली? नहीं, हमारे संविधान में ओरिजिनली ये ड्यूटी नहीं थी। हमारे संविधान में ओरिजिनली थे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट थर्ड में आते हैं, और ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं, ये फंडामेंटल राइट थे। पर लेकिन इंदिरा गांधी जी को ये लगा यार जब फंडामेंटल राइट है यानी कि इनके पास में हक है सबके पास में, तो यानी कि साड्डा हक इत्थे रख वाली बात आ जाती है। जब भी यहां पर कोई सिटीजन ऐसा बोलेगा तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि जो हक दे रखे, जो पावर दे रखी है उसके साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो वो वर्ड सुना होगा ना स्पाइडरमैन मूवी का, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा बोला गया कि पावर तो दे दी फंडामेंटल राइट से हर एक सिटीजन को, अब ड्यूटी भी इनको बतानी पड़ेगी। तो उनके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी लाई गई। ये फंडामेंटल ड्यूटी लाई गई 1976 में हमारे संविधान में संशोधन किया गया, जिसको 42वां संशोधन बोलते हैं। और ये वो संशोधन था जिसने हमारे संविधान में काफी कुछ चेंज कर दिया, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक छोटा सा संविधान बन गया, इतने बड़े बड़े चेंज किए गए। आप लोग बोलोगे क्या किसी ने रोका नहीं इंदिरा गांधी जी को इतने बड़े संविधान में चेंज कर दिया? क्योंकि संविधान में चेंज करना तो आसान नहीं है, इसलिए रोका गया क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में 1975 से लेके 1977 तक इमरजेंसी रही। तो उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये सारे चेंज किए गए, तो उसी चेंज में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 1976 में। तो टोटल मिलाकर कितनी फंडामेंटल ड्यूटी थी ओरिजिनली बताइए, जरा एक मिनट जरा सा पॉज करके वीडियो को, टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी थी ओरिजिनली? तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी ओरिजिनली, पर लेकिन आज की डेट में कितनी है? आज की डेट में 11 हो चुकी है। तो भाई साहब ये 11वीं कौन सी आ गई? इसके ऊपर इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आप लोग देखेंगे यार बहुत सारे क्वेश्चन बने आज तक का। ये जो ऐड किया गया इसमें ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि जो 86वां संविधान में संशोधन किया गया, कब? 2002 में। आखिर ऐसा क्या संशोधन में किया गया? इसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, 11th यानी कि 11वीं। आखिर क्या था उसमें? उसमें पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई कि जो बच्चे हैं उनको आप लोगों को स्कूल में भेजना है, ठीक है। तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को हमारी कंट्री में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसके लिए आप लोगों को बच्चों को स्कूल में भेजना है। अगर नहीं भेजा तो देखिए ये फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की, उनको जेल में भी डाला जा सकता है अगर ये अपनी ड्यूटी जो है ये फॉलो नहीं करते, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो है वो बच्चों का अधिकार बना दिया। तो बच्चों का अधिकार बन गया कि हाँ एजुकेशन उनका हक है, अब पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो बच्चों का अधिकार बड़ा है पेरेंट्स की ड्यूटी के कंपेयर में, तो पेरेंट्स को ड्यूटी फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। यहां पर एक ऑब्लिगेशन आ गया पेरेंट्स के ऊपर अगर बच्चे जो है वो चाहते हैं अपना एजुकेशन लेना। तो इसी के अंदर यहां पर जो बात की जाती है, ये बात की जाती है बेसिकली हमारी कंट्री में रिलीजन को भी आप लोग एक तरीके से सहज कर लेकर चल रहे हैं कि हर एक पर्सन की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम लोग अपनी कंट्री में ये जो नॉर्म्स हैं इनको इंप्लीमेंट करें, एक पॉजिटिव मैंडेट रखें, तो हर एक सिटीजन के लिए ही है। तो फंडामेंटल ड्यूटी में यहां पर कुछ ऐसी भी बातें बोली गई हैं कि आप लोगों को यहां पर एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाकर यहां पर रखना है कंट्री के अंदर। तो उसके चलते भी यहां पर बात की जाती है, यानी कि जो भी रिलीजियस प्लेस है उसको आप लोगों को सही से एक तरीके से होने कहते हैं, आप लोग इनको किसी भी रिलीजियस प्लेस में आप लोग कुछ ऐसी हरकतें नहीं करोगे कि उसको डिस्ट्रॉय करना है, दूसरे के हमको गाली देनी है, इन सब चीजों से आप लोगों को ऊपर उठ के थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो ये भी बातें यहां पर बोली जाती है, इसी में हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहेगी, ठीक है। अगर बात करें तो कई सारे डिबेट और डिस्कशन किए गए हमारे संविधान जो निर्माताओं के द्वारा, तो उस टाइम पर बोला गया कि हमारा संविधान जो है एक सेक्युलर स्टेट रहेगा। सेक्युलर का मतलब क्या है? सारे धर्म जो है, सारे रिलीजन जो भी हैं वो पनपेंगे और कोई भी यहां पर इनके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। बेसिकली इनको सपोर्ट तो कर सकता है, पर लेकिन इसको ये नहीं बताएगा तुमको ये रिलीजन फॉलो करना है और तुमको ये रिलीजन फॉलो करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी पर्सन कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, तो हम लोग उसको सपोर्ट तो कर सकते हैं कि ठीक है यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, पर लेकिन अपोज नहीं कर सकते कि भाई साहब ये तुमको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर प्लेस ऑफ वर्शिप जो है, जो एक्ट लाया गया, ये कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करता था, क्योंकि जो भी हमारी कंट्री में एक बार स्ट्रक्चर बन गई तो यार उसको फॉलो करो, उसको तोड़कर दूसरा बनाओगे तो सोसाइटी में फिर दिक्कत देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी कंट्री में कि एक तरीके से इक्वलिटी ऑफ ऑल द रिलीजन, यानी कि हर एक रिलीजन इक्वल है, आप लोग जो रिलीजन चाहे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आपको लोगों को आकर सलाह मशवरा नहीं देगा कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता, सलाह मशवरा भी दे तो प्रेशर नहीं डाल सकता। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है यहां पर ये
एक तरीका यहाँ पर अफर्मेशन है जो बेसिकली बात करता है कि सोलमेंट ड्यूटी है, इनके परम कर्तव्य है यहाँ पर स्टेट का भी कि वो प्रिजर्व करे और प्रोटेक्ट करे जो ऑल फेथ है, यानी कि जो भी हमारे कंट्री में फेथ है तो उनको प्रिजर्व करे और प्रोटेक्ट करे। तो ये कहीं ना कहीं एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे संविधान में, आप लोगों ने केस याद रखिएगा, के एस पुत्ता स्वामी केस आप लोगों को पता होना चाहिए। के एस पुत्ता स्वामी कहां से आ गया प्राइवेसी वाला, इतनी बार बोल चुका हूं इसको केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस था, ये 1973 का केस था। केशवानंद भारती केस में ये बोला गया कि हमारे संविधान के एक बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोगों को नहीं हिलाना है। तो वही बेसिक स्ट्रक्चर की बात यहां पर की गई कि देखिए अगर कोई रिलीजन फॉलो कर रहा है तो ये उसका फंडामेंटल राइट है, आप लोग उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे संविधान में अगर आप लोग देखिएगा आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक बोला गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी कि अपना जो भी धर्म जिसको फॉलो करना है वो फॉलो कर सकता है कोई भी नागरिक देश का, आप लोग उसमें जाकर कोई भी दखलंदाजी नहीं करोगे। तो ये ऑलरेडी बोला गया है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी माना गया है कि सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये राज्य है, यानी कि राज्य मतलब स्टेट की बात की जा रही है, यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट की बात की जा रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, अब उसका ये परम कर्तव्य बन जाता है कि इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करे। हिस्ट्री में जो भी गलत हुआ है, मान लीजिए मंदिर था मस्जिद बनाई गई, मस्जिद थी मंदिर बनाया गया, या कुछ और चर्च तोड़ी गई, जो भी किया गया यहां पर, आप लोगों को उसको फॉलो नहीं करना है, प्रेजेंट टाइम पर आप लोगों को बेसिकली जीना है, फ्यूचर में उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि पास्ट में जो गलतियां हुई है उनका प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जो हो गया वो हो गया, अब आगे चीजों को सुधार कर चलो, एक ऐसी सोसाइटी बनाकर चलो जो सही तरीके से आगे बढ़े। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इशू नोटिस करना इस पर्टिकुलर पिटीशन के लिए, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि अब आगे इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन होगा, फिर ऐसी ऐसी बातें निकल कर आएगी जिससे सोसाइटी में एक अच्छा माहौल जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते यहां पर ये इसको हम लोगों को इसी तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए जैसे चला हुआ है, ये इस तरीके के इशू को ज्यादा टच नहीं करना चाहिए वरना फिर दिक्कत हो जाती है सोसाइटी के अंदर। तो बोला जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो भी है होपफुली कि ये फाइनल होगा, अब इसको आगे इसमें टच नहीं किया जाएगा, जो भी चल रहा है उसी तरीके से देश में चीजें चलती रहेगी। आप लोगों का क्या मानना है अगर मैं आप लोगों से पूछूं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में, आप लोग की क्या राय है रिलीजियस ऑफ परवर्शिप के बारे में अगर आप लोग देखते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर धर्म के नाम पर बात करें तो धर्म एक इतनी खतरनाक चीज है जिसके बेस पर जरा सी देर में लोगों के बीच में लड़ाई लगाई जा सकती है। तो हर एक इंसान जो है यहां पर उसको एक तरीके से कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी के भी धर्म को हम लोग कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, सारे धर्म की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि धर्म चाहे कोई सा भी क्यों ना हो वो कोई भी गलत चीजें नहीं सिखाता है। ठीक, एक मैंने आप लोगों से आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रखी है पॉलिटी के अंदर, रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, जाकर देखिएगा, वो वीडियोस देखकर आप लोग समझ जाएंगे कि एक टाइम ऐसा था कि कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पर रिलीजन ही कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता था, यानी कि रिलीजन ही ये बताता था कि सोसाइटी को कैसे सही डायरेक्शन में लेकर चलना है। क्योंकि आप लोगों ने देखी होगी ना जो मूवी है ओ माय गॉड, ठीक है, ओ माय गॉड है ना, जिसमें वो बोलता है कि दीज ये जो लोग है ना ये दीज पीपल आर द गॉड फियरिंग पीपल नॉट गॉड लविंग पीपल, यानी कि ये भगवान से प्यार करने वाले लोग नहीं है, ये भगवान से डरने वाले लोग हैं, इसीलिए डेली मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ये मत्था टेकने हाथ जोड़ने आते हैं। अगर ये जो लोग हैं भगवान से प्यार करने वाले हों तो इतना ज्यादा परेशान नहीं रहेंगे जितना ज्यादा नॉर्मली देखने को मिलता है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? और देखिए ये करके एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग में जाकर आप लोग बैठते हैं ना, तो वहां पर आप लोगों को वैसे भी सेक्युलर होना पड़ेगा, हर रिलीजन का लोग आप लोगों के पास में आएंगे, तो वहां पर आप लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ कुछ भी एक तरीके से, क्योंकि आप लोग वहां पर न्यूट्रल बनकर आप लोगों को रहना होगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है, कल मैंने क्वेश्चन ही दिया था होली की वजह से, मैंने सोचा थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हो चलो थोड़ा शांति में आप लाइफ को एंजॉय कर लो। अब यहां पर क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आप लोग अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि अबोरेंट प्रैक्टिस जो डिस्क्रिमिनेट करती है अगेंस्ट जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वुमेन की, तो वो एक तरीके से एबनॉर्मल माननी चाहिए, यानी कि एक तरीके से यहां पर ऐसी प्रैक्टिस सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, यानी कि मासिक धर्म के दौरान जो महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है ये एक तरीके से घृणित व्यवहार जो होता है उसको अमान्य करार देना चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं है खासकर वुमेन के लिए। ठीक है, तो ये जो घृणित व्यवहार होता है इसको ये असामान्य मानना चाहिए हम लोगों को, और इसको बेसिकली साइड में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी हरकतें सोसाइटी में बहुत ही गलत तरीके से आप लोगों को कई बार वुमेन को गलत माहौल में ले जाकर रख देती है। हमारी कंट्री में अगर आज के दिन में देखिए कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि हमको शर्मसार करके रख देती हैं, जिनके ऊपर थोड़ा सा काम हम लोगों को करना चाहिए। एक ऐसी घटना यहां पर निकल कर आई, ये था श्री एक तरीके से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो श्री सहजानंद जो गर्ल इंस्टीट्यूट है गुजरात के अंदर में, तो यहां पर क्या किया गया, बहुत सारी लड़कियों को बुलाया गया, और बुलाने के बाद में उनके जो सारे कपड़े थे उनके उतारे गए, और ये चेक किया गया कि इनका पीरियड साइकिल तो नहीं चल रही है, क्योंकि बेसिकली कंडीशन क्या थी, उनका ये मानना था कि अगर किसी का ऐसी कोई
साइकिल वगैरह चल रही हो, तो उसको ना तो उसको बेसिकली खाने की जगह पर ना ही वर्शिप की जगह पर जाने के लिए अलाउ किया जाएगा। और ये ऐसी हरकतें जो सोसाइटी में देखने को मिलती है, ये कहीं ना कहीं झंझोर कर रख देती है कि एक तरीके से जिसकी वजह से सोसाइटी है, ये नेचुरल चीजें हैं। अगर किसी की पीरियड साइकिल चल रही है, अगर वो नहीं होगी तो कोई इंसान पैदा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें नेचुरल हैं। जैसे बोलते हैं ना किन्नर कम्युनिटी है सोसाइटी के अंदर में, यार वो किन्नर नेचुरली है, उनकी क्या गलती है उसमें। तो ये सारी चीजें जो है, इन सब चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, पर लेकिन नहीं किया गया। 60 लड़कियों को बोला गया कि उनके सारे जो भी अंडरगारमेंट्स हैं उनको रिमूव किया गया, चेक करने के लिए कि उनकी जो पीरियड साइकिल नहीं चल रही है क्या, या फिर चल रही है। तो ये दुर्घटना जो देखने को मिली, ये फरवरी 2020 में देखने को मिली। तो तब से लेकर अगर अब तक चेक किया जाए तो यहां पर गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा कई सारी बातें बोली गई थी, पर उनको अगर हम लोग ढंग से चेक करें, जो रिकमेंडेशन उस टाइम पर गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा दी गई थी, आज की डेट में भी वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं की गई है। तो बोला तो ये गया था कि यहां पर कोई अगर टेंपल के अंदर या फिर किचन के अंदर अगर कोई न जा पाए तो इस तरीके से रोका, अगर कोई ऐसे जाती है तो ये इंस्टीट्यूट जो है उसके रूल के खिलाफ है। तो ऐसी बातें यहां पर बोली गई, यानी कि इस तरीके से महिला जो है यहां पर मंदिर या फिर किचन में नहीं जा सकती है। आज की डेट में भी कई जगह कई सारे घरों में ये ऐसी घृणित घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो इनसे थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। कम से कम ये सारी चीजें एक वुमेन को तो कम से कम वुमेन के साथ में नहीं करनी चाहिए जो एक तरीके से ये सारी चीजों से होकर खुद गुजरती है। तो 4 लोगों को यहां पर अरेस्ट किया गया उस टाइम पर। तो यहां पर ये बेसिकली प्योरिटी और पोल्यूशन वाली बात की जाती है, यानी कि नॉर्मली कौन प्योर है और कौन पोल्यूटेड है ये देखने की कोशिश की जाती है। तो इसके बेस पर आप लोगों ने एक जजमेंट भी देखा होगा हमारी कंट्री में, जो कि सबरीमाला टेंपल का केस था, सर्च कीजिएगा एक बार, आप लोगों को देखने के बाद में आश्चर्य होगा काफी ज्यादा। इसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखी है, सबरीमाला जो टेंपल केस बाय वीर, आप लोग सर्च करना तो ये वीडियो खुलकर आएगी, और देखना जिस किसी ने नहीं पता इस केस के बारे में। कुछ एक छोटा सा ओवरव्यू तो मैं आप लोगों को यहीं पर ही देता हूं। इस केस में बेसिकली यहां पर देखिए, नॉर्मली अगर आप लोग सोसाइटी में देखिए, मेल और फीमेल के अंदर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यानी कि ये लड़का है और ये लड़की है, तो ये बोल देते हैं कि लड़की जो है वो यहां पर ये काम करेगी, लड़का ये काम करेगा, लड़की को स्कूल में जाना नहीं चाहिए, लड़की को तो घर पर ही काम करना चाहिए, लड़के को बाहर जाकर जॉब करनी चाहिए, लड़के को ये करना चाहिए। तो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव जो होता है वो लड़का और लड़की में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। पर ये सबरीमाला टेंपल जो केस है यहां पर, ये औरतों और औरतों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। यानी कि एक तो वो औरतें जिनकी जो ये पीरियड साइकिल आती नहीं है, इनके जो अभी बहुत यंग एज में है या फिर जिनकी ये खत्म हो चुकी है, वो महिला तो मंदिर में जा सकती है, और जिनकी ये पीरियड साइकिल का जो ड्यूरेशन चल रहा है वो मंदिर में एंट्री नहीं कर सकती है। ये यहां पर इस पर्टिकुलर जो टेंपल के अंदर ये मान्यता थी। पर लेकिन जब केस आया यहां पर इंडिया यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस 2018 में, तो उस केस के अंदर में यहां पर ये 5 जज की बेंच बनी, और 5 जज में से जो 4 जज के द्वारा ये बोला गया कि यार ये बिल्कुल गलत है, महिलाओं को इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया सकता। और देखिए ये तो एक हाई लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो गया। आप लोग अगर एक लड़का और लड़की के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो तो अब तक चला हुआ आ रहा है, तो आप लोगों ने औरतों और लड़कियों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों ने कर दिया, ये तो और भी एक हाई लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो ये सही नहीं है। तो इसके चलते यहां पर जो भी यहां पर पीरियड साइकिल के साथ में जो टैबू लगे रहते हैं, आज के डेट में कोई भी अगर पैड लेके जाता है तो उसको भी ब्लैक कवर में लपेट कर लेकर आएगा, कुछ ऐसी चीजें अगर लेने जाता है तो इसको गलत तरीके से देखा जाता है। जबकि यहां पर एक मूवी बनाई गई, यहां पर पैडमैन आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ये चीजें दिखाने की कोशिश की गई कि यार ये सारी चीजें नेचुरल हैं, इनको डिस्कस करना चाहिए, बच्चों को इनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ का पार्ट है, ऐसा तो नहीं कि इनसे बचा जा सकता है छुपा के। तो जिन चीजों से चीजें नेचुरली हैं, हमारी पार्ट है लाइफ का, तो उनके बारे में डिस्कस क्यों नहीं किया जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, इनको कभी भी इस तरीके से छुपाना नहीं चाहिए। अगर छुपाएंगे तो देखिए, जब लड़की होती है स्टार्टिंग में, उसको यहां पर इस तरीके से पीरियड साइकिल स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर इतना सारा पता नहीं किस तरीके के माइंड में थॉट आएंगे कि यार ये क्या हो गया, कोई बीमारी तो नहीं होगी, क्या चक्कर हो गया। पर लेकिन अगर उसको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ये क्वाइट नॉर्मल है, तो वो सारी चीजें एडजस्ट कर पाएगा, इंसान पचा पाता है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में बताता हूं, मतलब थोड़ा सा वो लगेगा और सुनने में, जब स्टार्टिंग में मूंछ दाढ़ी आनी स्टार्ट हुई थी ना, उस टाइम पर ऐसा लगता था, मैंने कहा यार ये क्या होने लगा, मतलब क्यूट क्यूट सा फेस था, मूंछ और दाढ़ी आने लगी यार। ठीक है, कई बार तो ऐसा लगता था कैसे काटा जाए, क्या किया जाए इनको, मतलब इरिटेशन लगती है स्टार्टिंग में, जब ये इस तरीके के जो पबर्टी वाले जो चेंज होते हैं ना बॉडी के अंदर में, तो मुझे नॉर्मली ये सारी चीजें ऐसा लगता था, मैंने कहा यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मूंछ दाढ़ी कैसी लगेगी, अब ये इस तरीके से ही करना पड़ेगा। हालांकि कईयों को शौक भी होता है, वो चाहते हैं कि उनकी मूंछ दाढ़ी जल्दी जल्दी आ जाए, पर लेकिन मुझे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मतलब मेरे साथ में बड़ा ही इंटरेस्टिंग था ये, मुझे लगा था, मैंने कहा यार ये एक अलग से काम मिल जाएगा। ठीक है, ये मतलब सही नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इरिटेट करने वाली चीज होती है कई सारी, जब ऐसे बॉडी के अंदर चेंज हो रहे होते हैं, तो हम लोग को ये सारे चेंज जो है जो बच्चों को बताने चाहिए कि ऐसा कुछ होने वाला है लाइफ में, ताकि वो उसको पचा सके। पर लेकिन हम लोग उनको बताने के कंपेयर में हम लोग उनको छुपा लेते हैं।
जिसकी वजह से उनको कई बार तो कई सारे खामियाजे इसकी वजह से भुगतने पड़ते हैं। तो इनके बारे में बातें करनी चाहिए सोसाइटी के अंदर में, और जब सोसाइटी में ऐसे केस निकल कर आते हैं तो ये तो और भी ज्यादा घृणित माहौल यहां पर बना देते हैं। तो यहां पर ये जो कंडीशन देखने को मिलती है ये डिस्क्रिमिनेट करती है। हमारे संविधान में अगर फंडामेंटल राइट के अंदर आप लोग जाएंगे ना, तो फंडामेंटल राइट में अगर 14 आर्टिकल के बारे में आप लोग बात करेंगे तो यहां पर राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात की जाती है। तो आप लोग यहां पर कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिनका आप लोग यहां पर एक तरीके से दिन का जो फंडामेंटल राइट है आप लोग एक तरीके से उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट का आप लोग हनन कर रहे हैं। तो कई सारी ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग अनटचेबिलिटी के बारे में बात करें तो आर्टिकल 17 आप लोगों के सामने आता है, 14 के बारे में बात करें तो राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरीके से 14, 15, 17, 19 और 21 कैसे आ गए यहां पर, 21 आ गए राइट टू प्राइवेसी के बारे में। आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन की, जैसे कोई लड़की है उसकी पीरियड साइकिल चल रही है, पब्लिकली जाकर आप लोग उनको चेक कर रहे हैं, तो ये राइट टू प्राइवेसी जो मैंने बोला था ना अभी गलती से केस होता स्वामी केस, तो उसने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया था, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है हमारे संविधान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग उसकी प्राइवेसी का भी हनन कर रहे हैं, तो इस तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं आप लोग यहां पर। और ये सारी चीजें क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में एक पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो पहले से यहां पर महिलाओं को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि मंदिर के अंदर नहीं जाना है, यहां पर पूजा स्थल पर नहीं जाना है, किचन के अंदर नहीं जाना है जब पीरियड साइकिल चल रही है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एक पुरानी जो प्रथा रूढ़िवादी जो सोच है उसके बेस पर आज के डेट में भी आगे बढ़ी हुई आ रही है, जबकि ये नेचुरल चीजें हैं, इसमें जब उनकी कोई गलती नहीं है तो फिर क्यों उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैंने बोला ना कि ये पैडमैन मूवी देखना आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितनी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है जब यहां पर ये सिचुएशन सामने निकल कर आती है। तो जो भी यहां पर श्री शाहजहां जो गर्ल इंस्टीट्यूट है भुज के अंदर गुजरात के अंदर ये कंडीशन देखने को मिली, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक प्राइवेसी पर हनन है पर्टिकुलर गर्ल की। तो इस तरीके से ये कंडीशन यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट के द्वारा इंटरवीन किया गया जो गुजरात हाईकोर्ट है, तो उसके द्वारा कई सारी बातें बोली गई पर लेकिन देखिए वही बातें हैं, बोलता तो मैं भी कई सारी बातें हूं कि मॉर्निंग में सुबह टाइम पर उठा करो, अपना टाइम टेबल फॉलो किया करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, पानी अच्छे से पिया करो, पर लेकिन फॉलो कितने करते हैं। तो वही अपनी सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं उसका इंपैक्ट आपके ऊपर भी ऐसे ही पड़ता है। तो इस सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे कैंपेन हम लोगों को चलाने चाहिए ताकि कई सारी एनजीओ सामने मिलकर आए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाए ताकि ऐसा कोई भी चीजें देखने को मिले सोसाइटी में। जो महिलाओं को जो खासकर उनके रिलेटेड कोई स्कीम बनाई जाती है महिलाओं से रिलेटेड, तो उसमें महिलाओं को उसका पार्ट होना चाहिए, ये बातें यहां पर इस तरीके से बातें बोलेगी। उसके लिए प्रॉपर फंड होना चाहिए ताकि पता चले स्कीम तो स्टार्ट होगी फिर फंड ढंग से नहीं मिला तो वो चीजें आगे नहीं चल पा रही हैं, तो वो कंडीशन आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इसी के साथ में जैसे अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये बेसिकली शाहजहानंद जो गर्ल इंस्टीट्यूट में देखने को मिली, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो उसको स्ट्रॉन्गली उसको बेसिकली देखना चाहिए कि फ्यूचर में कोई ऐसी चीज फिर से रिपीट ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल पर सोसाइटी में काफी एक नेगेटिव इंपैक्ट डालकर जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से कई सारी ऐसे तरीके हैं जिसके चलते हम लोग सोसाइटी में एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर सकते हैं ताकि ऐसी फिर से कोई ऐसी माहौल ना देखने को मिले जिसकी वजह से फिर से कोई ऐसी कंडीशन निकल कर आए। तो इस सारे मुद्दों पर बात करेंगे तभी तो मुद्दे आगे बढ़ेंगे, पर लेकिन इन पर बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि प्राइवेट पब्लिक या फिर रिलीजियस या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कहीं भी वुमेन के साथ में उसकी जो पीरियड साइकिल है उसको लेकर कोई भी ऐसा एक्सक्लूजन नहीं देखने को मिलना चाहिए, और खासकर जो स्टेट है यानी कि जो जहां पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को इन चीजों को इस तरीके से लेकर चलना चाहिए कि यहां पर ये जो चीजें हैं ये पर्टिकुलर पर्सन का प्राइवेट मैटर है, इसमें कोई इस तरीके से इंटरफेयर न करे। उनकी जो इमोशनैलिटी है, खासकर जो इमोशन स्टेट है, उनकी लाइफ स्टाइल है या फिर जो उनकी हेल्थ है, ये काफी बड़ा इंपैक्ट डालते हैं उसके ऊपर। आप लोग सोचिए जिन भी जो 60 लड़के हैं जिनके साथ में ये हरकतें वहां पर की गई, उनका अंदर से कितनी एक तरीके से एक इरिटेशन सी हो जाती है, ठीक है कि यार ये क्या हो गया। आप लोगों ने अच्छा एक मूवी है जो मैंने अभी जिसको अभी यहां पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है धनुष को, ठीक है, तो असुरन करके शायद मूवी का नाम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो मूवी है। उस मूवी में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो मूवी अभी देखी मैंने कुछ दिनों पहले, उस मूवी में ये दिखाया गया है कि वहां पर जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उस कम्युनिटी में जो बेसिकली जो जिनको बोलते हैं ना कि छोटी जात है, तो उसको चप्पलें पहनने का भी अधिकार नहीं है। वहां पर वो उस लड़की के लिए चप्पल लेकर आता है तो पूरी सोसाइटी में वो चप्पल उसके सर पर रखवाकर उसको घुमाया जाता है। तो ऐसी ऐसी हरकतें आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलती है। अब वो लड़की जो इतनी सहम जाती है कि वो घर से बाहर निकलती नहीं है जब एक तरीके से किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो ये सारी चीजें जो सोसाइटी में देखने को मिलती है। आर्टिकल 15 आप लोगों ने आयुष्मान खुराना की अगर मूवी देखी हो
उसमें यही दिखाया गया है कि किस लेवल पर हमारी सोसाइटी में ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती है, जिनसे थोड़ा सा ऊपर हम लोग को उठना चाहिए। कहीं ना कहीं ये काफी लार्ज स्केल पर फंडे निकल कर आते हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो जो ये कहीं ना कहीं एक काफी लार्ज स्केल पर दिक्कतें हैं, तो इनको सुधारना चाहिए। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक चेंज के तरीके से आगे लेकर आना चाहिए, पर लेकिन जजमेंट आते जाते रहते हैं। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, तो ये केस था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड। तो देखिए 2014 में केस आया था और 2021 में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो अब तक भी उनके प्रॉपर जो राइट है उनमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो महिलाओं का फंडा तो बहुत लंबा पुराना है यहां पर, तो पैट्रियार्कल इनके पुरुष प्रधान देश में हम लोग बैठे हुए हैं, काफी लंबे समय से चीजें चल रही है, तो ये तो और भी ज्यादा इंपैक्ट डालने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है, हालांकि इसके बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, पर लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड देखा है? तो यह है इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो कि आप लोगों के सामने है यहां पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड कुछ ऐसा दिखाई देते हैं, ये एक सैंपल है आप लोगों के सामने जिसके बारे में बात की जाए। तो ये जो सैंपल है यहां पर, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, ये न्यूज में किस लिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पहुंचा था, तो उसके चलते न्यूज में आया। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी बातें सामने निकल कर आई कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है ये गलत तरीके से मिसयूज किया जा सकता है, और वोटर जो है उनको पता होना चाहिए कि वो किसको वोट डालने चाह रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यानी कि जो पर्सन जाकर बैठेगा सांसद होगा या फिर विधायक होगा वो जनता को ही रिप्रेजेंट करेगा, और जनता को ही नहीं पता है कि ये रिप्रेजेंट करने वाला इंसान कैसा है, तो पैसे का भी मिसयूज हो सकता है, तो उनका जो राइट है हक का वो भी नहीं पता चल रहा है। तो कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे अगर इसका कल को मिसयूज होता है? तो ये सबसे पहले तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक तरीका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर मेकिंग द डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके बेस पर आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं उसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहते हैं। यानी कि आप लोग SBI से जाकर ऐसा कोई बॉन्ड खरीदोगे और ये पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जमा कर दोगे, तो ये जो बॉन्ड होगा ये मान लीजिए 1000 का है, 10000 का है, 1 लाख का है, 10 लाख का है, 1 करोड़ का है, तो कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितना चाहो आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को दान धर्म कर सकते हो। तो ये ऐसा मुद्दा हमारी कंट्री में निकाल कर लाया गया। तो इस दान धर्म के मुद्दे में सबसे आगे जो चल रही है फिलहाल के टाइम पर वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसके अंदर जो बोला गया है कि ओनली SBI से आप लोग ये बॉन्ड खरीदोगे, किसी और बैंक से नहीं खरीदोगे। पता चला आप लोगों ने ये बॉन्ड खरीदा और बॉन्ड खरीद के आप लोगों ने आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, और इनके द्वारा चेक किया गया कि अच्छा इसको दे दिया है बहुत सारा पैसा, क्योंकि सारा गवर्नमेंट के हाथ में यहां पर ये, तो चेक करेंगे। तो पता चला कल को आपके घर में CBI पहुंच गई, कोई सा दूसरी ऑर्गेनाइजर पहुंच गई, तो ऐसा किया जा सकता है। तो ऐसी कई सारी बातें उठाई गई यहां पर। ऐसा नहीं कि BJP ये काम कर सकती है, कल को कांग्रेस पावर में आती है तो कांग्रेस ये काम कर सकती है, क्योंकि जो पावर में आता है वो इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं कि कल को ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिल सकती है कि दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा न दिया जाए। इसीलिए मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इसका बॉन्ड आने का, वो प्रेजेंट टाइम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको फायदा देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है यहां पर? डोनर तो डोनर का नाम पता है कि इसके ऊपर लिखा नहीं है कहीं भी ये किसने खरीदा है बॉन्ड। ठीक है, कहीं पर भी ये नहीं देखने मिला किसने खरीदा है। तो यानी कि ना तो देने वाले का पता चल रहा है कहां से पैसा दिया जा रहा है, ना लेने वाले का पता चल रहा है किसने किसको दे दिया है। तो एक तरीके से आइडेंटिटी यहां पर बिल्कुल छिपी हुई है, जिसके चलते यहां पर ये बातें काफी ज्यादा और क्रूशियल रोल प्ले करती है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, यानी कि जब एक नया एक जो क्वार्टर स्टार्ट होता है उसमें 10 दिन के लिए इनको स्टार्ट किया जाता है, यानी कि 10 जनवरी, 10 अप्रैल और फिर 15 दिन के लिए वैलिड होते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ये पॉलिटिकल पार्टी के खाते में पहुंचाने हैं। तो यहां पर ये बेसिकली जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया 15 डेज के लिए रहते हैं, जिनको रिडीम किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है हमारी कंट्री के अंदर में। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है यहां पर ये एक तरीके से नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड था कि अंडर द टेबल आप लोग यहां पर पैसा लेते थे, तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के बात की जा रही है और एक तरीके से यहां पर कोशिश की जा रही है टेक और डिजिटल फॉर्म में यहां पर ट्रांजेक्शन किया जा सके बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। तो उसी के बारे में बात करें तो देखिए हमारी कंट्री में सबसे बुरी जो कंडीशन इस बॉन्ड के बारे में है, तो डोनर के बारे में भी नहीं पता है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है यहां पर कि आप लोग इसको रिवील करें, तो SBI के थ्रू सारी चीजें की जा रही है, तो कहीं ये कंडीशन खराब कर रही है। पहले एक बार था कि लास्ट 3 साल में आप लोग जो भी यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 7.5% पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं जो भी हमारी कंट्री में कंपनी है, पर लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, और ऐसा भी कोई नहीं है आप लोगों के पास में प्रतिमान, जितना चंदा चाहे आप लोग दे सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को। तो इससे दिक्कत क्या है, मान लीजिए कल को कोई कंपनी डूबती जा रही है, उसने पॉलिटिकल पार्टी को बोला कि हम 10 करोड़ रुपए देंगे, हमारी जो कंपनी है उसको बचा लो और ये फायदा पहुंचाओ, तो आराम से इस तरीके की स्कीम बनाई जा सकती है, किसी को पता भी नहीं चलेगा आखिर क्या हो रहा है। तो ये कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। तो राइट टू नो है वोटर को, इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो एक सही तरीके से आप लोग डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कि राइट टू नो होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था यहां पर आर्टिकल।
अब कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें यानी कुछ न्यूज जान लेते हैं। देखिए हमारी कंट्री में ये बात की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों से पूछी जा सकती है कि ये ULPIN क्या है। यहाँ पर ULPIN फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाएगी कि ये ULPIN जो डेटाबेस है क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका मतलब ये कि सेंटर के द्वारा बोला गया कि जो भी प्लॉट है हमारी कंट्री में वो किसके नाम पर है उसको आइडेंटिफाई करके उसका नंबर दिया जाएगा, ताकि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके साथ में एक कि किसकी लैंड कोई और जब्त करके बैठ जाता है। तो ये 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर आप लोगों के सामने आने वाला है, जिसको इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि लैंड से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी मैटर हैं, रिवेन्यू कोर्ट के अंदर उनको ढंग से प्रेजेंट किया जा सके और ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। पता चला एक कोई पर्सन है उसके नाम कोई जमीन है, अब उसका एक नंबर होगा यहां पर कि इसके नाम ये जमीन है, तो तुरंत नंबर डालो। जैसे आधार कार्ड नहीं आप लोग चेक करते हैं कि ये नंबर डाला आधार कार्ड चेक कर लिया, तो तुरंत इसी तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली हमारी कंट्री में मार्च 2022 तक अक्रॉस द कंट्री इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, पूरे देश में अभी 10 राज्य के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो ULPIN तो इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ये। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोविन ऐप के बारे में बात की जा रही है। ये कोविन ऐप एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, तो इसको अपग्रेड कर दिया गया 1 करोड़ रजिस्टर के लिए फॉर जो यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर फैसिलिटी मिल सके दवाई की, तो इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर उड़ीसा से आप लोग आते हैं तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात की जा रही है उड़ीसा के अंदर अभी रिसेंटली 8 साइक्लोन देखने को मिले, उन 8 साइक्लोन में यहाँ पर 31,945 के करीब ऐसे हैं यहाँ पर जिनको अभी यहाँ पर वो जो वर्थ लॉस देखने को मिला। जैसे कई सारे आप लोग बात करें, फिलहाल में अभी सुपर साइक्लोन आया 1999 में, ठीक है, इसी के साथ में जो फाइलिन देखने को मिला 2013 में, हुदहुद देखने को मिला 2014 में, तितली, और इसी के साथ में जो यहाँ पर कई सारे और भी थे यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर पैथरी, यहाँ पर इसी के साथ में ये डे 2018 में देखने को मिले, बुलबुल, फैनी 2019 में देखने को मिले, अम्फन 2020 में देखने को मिले। तो ये दुनिया भर के जो साइक्लोन आए हैं यहाँ पर उड़ीसा इस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो बात की जा रही है बेओ बंगाल वाले रीजन में। तो बेओ बंगाल वाले रीजन में यहाँ गया उड़ीसा। तो यहाँ पर जो भी साइक्लोन अभी रिसेंटली देखने को मिले वो सारे साइक्लोन जो है उनकी वजह से लगभग 31,945 करोड़ रुपए यहाँ पर लॉस हुआ, पर लेकिन इसका ओनली 1/6 जो है वो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ढंग से सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, तो ये बात बोली गई यहाँ पर अभी रिसेंटली, ठीक है। अगर बात करें इंडिया के द्वारा अभी अटेंड किया गया म्यांमार के अंदर 27 मार्च को जो उनकी आर्म फोर्स डे परेड थी, तो यहां पर हालांकि म्यांमार के अंदर काफी बुरी कंडीशन आज के दिन में, तो क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल रहा है म्यांमार का। 12 जो अलग अलग कंट्री है इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, तो यहां पर इनके द्वारा जो बेसिकली कई बार यहां पर बोला भी जाता है कि ये गलत है इस तरीके से आप लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं। तो 8 कंट्री जैसे कि अगर बात करें जो गवर्नमेंट है यहाँ पर अभी फिलहाल जो यहाँ पर कई सारी कंट्री पहुंचे, रिप्रेजेंटेटिव कहाँ कहाँ से गए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, तो इनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर एक तरीके से जो नरसंहार किया जा रहा है कई सारे लोगों की जान जा रही है, तो हम लोग किस तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं। ये काफी एक आप लोग बोल सकते हैं एथिक्स के पेपर में भी आप लोगों से ऐसी जो बेसिकली क्वेश्चन है बन सकते हैं। बात करें फेक टीचर के बारे में, देखिए यहां पर क्या हुआ, कोई भी किसी भी पोस्ट पर पता चला कल को फेक डीएम बैठ गया जाकर, फेक आईपीएस ऑफिसर बैठ गया, कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई फेक पोस्ट पर आकर बैठ गया, फेक मतलब अलग तरीके से गलत तरीके से सर्टिफिकेट बना लिए। तो यहां पर ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है, इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर उन्नाव के अंदर 15 साल तक जॉब की, एक फेक टीचर मतलब 15 साल तक जॉब करता रहा, पर लेकिन वही है कि अगर आप लोग गलत कुछ कर रहे हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फिर यहां पर ये मुद्दे सामने आए निकलकर, तो अब यहां पर इनको पकड़ा गया है यहां पर 15 साल के बाद में। तो समझिए ये इंसान क्या है, क्या कर रहा होगा, क्या पढ़ा रहा होगा, गलत तरीके से, बस ये था कि बेरोजगार घूम रहा होगा तो एक रोजगार ढूंढने का तरीका ढूंढा। तो ऐसे ऐसे तरीके ढूंढे जाते हैं, इतनी मेहनत की जाती है, थोड़ा सा पढ़कर जॉब ले लेता है यार, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये कितना बड़ा इंपैक्ट डाला होगा इस पर्टिकुलर पर्सन ने जो कि क्वालिफाइड नहीं है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, कैपेबल नहीं है पढ़ाने में, और ये पर्टिकुलर पर्सन 15 साल तक यहां पर एक स्कूल में जाकर पढ़ाता रहा फेक सर्टिफिकेट बनाकर, और क्या पढ़ा रहा होगा ये जिसको फेक सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत पड़ गई, तो कितने सारे बच्चों की जो जिंदगी है उसके साथ में खेल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी अगर केस स्टडी आए आप लोगों के सामने कि आप लोग क्या करेंगे, अगर कोई ऐसा केस निकल कर आते हैं, ये सिचुएशन, आप एक पर्टिकुलर स्कूल के टीचर हैं, एक पर्टिकुलर स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और आप लोगों को पता चलता है कि वहां पर कोई इस तरीके की कंडीशन निकल कर आती है, तो ये कई सारे ऐसी जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बात करें यहां पर यूएन के द्वारा बोला जाए कि जो जिंगजियान वाला रीजन है जिसको यहां पर चाइना जो है ये अनरिस्ट्रिक्टेड जो बेसिकली विजिट होनी चाहिए यहां पर यूएन के मेंबर की, तो उसी के बारे में बात की जा रही है एंटोनियस गुटेरेस के द्वारा जो कि प्रेसिडेंट है यहां पर यूनाइटेड नेशन के, ठीक है,
तो हो क्या रहा है यहां पर, जो उघर कम्युनिटी है उनके ऊपर काफी सप्रेशन किया जा रहा है चाइना के द्वारा, और हमारी कंट्री के साथ भी यहां पर ये टच करता है, ये भी याद रखना। तो इस पर्टिकुलर रीजन को यहां पर बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये मैप ऐसा मत दिखाया करो। देखो यार ये मैप जो होता है ना, अगर इंटरनेशनल लेवल का आप लोग मैप देखना चाहते हैं, ये हमारा ही पोर्शन है। इंटरनेशनल लेवल के मैप में आप लोगों को नॉर्मली ऐसा मैप नहीं मिलता है। अगर मान लो आप लोग सर्च करेंगे जिंगजियान वाला रीजन या फिर चाइना से रिलेटेड रीजन, तो हमारी कंट्री का मैप वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री का जो मैप है वो यहां पर चाइना को दिखाएगा, क्योंकि एलएसी के जो साइड में है चाइना के कंट्रोल में है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे ही मैप आप लोगों को दिखाता है, तो इसमें मेरी यार कोई गलती नहीं है, सॉरी, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को समझाने के लिए मैप दिखाना पड़ता है, पर कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये मैप मत दिखाया करो। देखिए मजबूरियां थोड़ी सी, नहीं दिखाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, पर लेकिन आप लोग उसको उस तरीके से क्यों देखते हो, आप ये देखना कि हमारा ही एरिया है वो, ठीक है, तो ऐसे नहीं देखना, ठीक है। 100 के करीब लाइव जो है फिर चली गई यहाँ पर म्यांमार के अंदर, 3000 के करीब लोग हैं वो भाग गए हैं यहाँ पर आज के डेट में अलग अलग कंट्री में। थाईलैंड के अंदर 3000 के करीब लोग भागकर चले गए, तो बहुत बुरी कंडीशन अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हैं म्यांमार, थाईलैंड यहाँ पर टच करता है, बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में भी आ रहे हैं, और हमारी कंट्री के 4 राज्य टच करते हैं, कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पर भी काफी बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये सिचुएशन थोड़ा सुधारनी चाहिए जो ये सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। चाइनीज जो है, जो फिलिपीन है उसके द्वारा डिप्लॉय कर दिए गए एयरक्राफ्ट एज चाइना के जो शिप है उसके पर्टिकुलर एरिया में घूमते पाए गए। देखिए चाइना जो है ये पर्टिकुलर एरिया को बोलता है कि ये मेरा एरिया है, तो यहाँ पर फिलिपीन और चाइना के बीच में कई सारी जो बेसिकली दिक्कत देखने को मिलती है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं सिचुएशन कब तक नॉर्मल बन पाती है चाइना की दादागिरी पर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो बढ़ती जा रही है ये सोचने के लिए हम लोग को मजबूर कर रही है कि कैसे हम लोग इस रीजन में शांति ला पाएंगे। क्वाड कम्युनिटी के बारे में आप लोगों ने सुना है ना, वो भी इसके ऊपर काम कर रही है, पर लेकिन अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो देखते हैं क्या कोई सोल्यूशन निकल पाता है या फिर नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 तो हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस करे, एक तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये बात की इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया, ये हम लोगों ने डिस्कस किया जो पीरियड साइकिल से रिलेटेड जो टैबू है सोसाइटी के अंदर, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन भी था आप लोगों के लिए, क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखना है, और ये थी सारी छोटी छोटी न्यूज जो हम लोगों ने देखी। ये होली सेलिब्रेट अच्छे से आप लोगों ने कर लिया, बैक टू द पवेलियन आ जाइए, अच्छे से यार पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है। पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना, और हाँ ये जो लेक्चर मैंने आप लोगों का बनाया था मार्च का रिवीजन का, वो भी आप लोग देख लेना, उसके पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए, तो जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए लाइफ को, और यहां से जाकर आप लोग चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।